एक विधायक हैं आपके, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक बड़ा लोचा कर दिया था, पुरानी बात है, मेरे कल 6 महीने साल भर पहले की। उनने एक चिट्ठी लिख दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को, क्या अवर सचिव गृह कृपया इनके बारे में अद्यतन इस जानकारी दे, क्या। और उन्होंने जो ये सब लोग नाम ले रहे हैं, जिसके त्रिपाठी जी या फैजान साहब या फखरुल हसन, उन सब के नाम लिख दिए, क्या। बड़ा बवाल मच गया उस चिट्ठी पे। अब कौन चिट्ठी रिसीव करे, सबके हाथ पांव कांपे कि क्या बवाल है, चिट्ठी है कि परमाणु बम भेज दिया। फिर उन विधायक जी को बुलाया गया, कहा भाई ये क्या करते हो, बवाल मत किया करो। फिर उनको थोड़ा शांत किया गया तो वो पंडित जी शांत हुए। वो लिख दिए थे चिट्ठी पूरी, उसमें 10 नाम लिख दिए थे इन्हीं सबके। कोई जौनपुर का था, कोई बनारस का था, कोई चिल्लू पार का था, कोई कहीं का था, इसे लिख दिए थे नाम। मैं राजनीति में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रहना चाहिए, लेकिन ना अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहना चाहिए, लेकिन यह भी देखा जाना चाहिए शासन के द्वारा कि जो जनता है वो ये माने कि दृष्टि समान है, समदर्शी होना चाहिए व्यवस्था को। और मैं इस पक्ष में कभी नहीं रहता, मैं इस तर्क को कभी स्वीकार नहीं करता जो तर्क दिया जाता है कि अच्छा क्या चुनाव के समय सब काम बंद कर दिया जाए। नहीं, ये भूणा तर्क है, नहीं सब जानते हैं भाई। अच्छा चलो वो तो बड़ी एजेंसियां हैं, छोटे एक उदाहरण दूं, मैं तो गांव देहात का आदमी हूं, कहां ईडी पीडी समझ पाऊंगा। एक उदाहरण देता हूं, अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, हाँ भाई फैजान फखरुल हसन हुए थे ना चौधरी साहब, एक था प्रतिभाशाली थानेदार ने, प्रतिभाशाली था त्रिपाठी जी, उसने या थानेदार था या डिप्टी एसपी एसपी रहा होगा, हाँ एसपी डिप्टी एसपी को था, प्रतिभाशाली बहुत ही तेज रहा था बालक, उसने एक चिट्ठी लिख दी आदेश सारे थाना अध्यक्षों को कि जितने लोग पंचायत के चुनाव लड़े हैं उन सबके विरुद्ध कौन कौन से मामले, जब नतीजा आ रहे थे आने थे अगले दिन, बोले वो सब दस्तावेज इकट्ठे करके हमारे पास ले आओ। क्यों भाई, किस लिए, अपराध अगर ये था तो ये चिट्ठी तो जिस दिन आपने चार्ज लिया था उसी दिन जारी कर देनी चाहिए थी, ये परिणाम आने से एक दिन पहले जारी करेंगे, वहां से शंका पैदा होती है। जो भ्रष्टाचार करे जेल जाए, जो अपराध करे जेल जाए, लेकिन नपना एक होना चाहिए। फुट में नापो तो फुट में नापो, गज में नापो तो गज में नापो, मीटर में नापो तो मीटर में नापो, फुट गज मीटर सब इकट्ठे नहीं चलाओ ना, रंग देखकर न्याय नहीं होना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है इसका अर्थ निकले कि अमिताभ जी लग रहा है कि विपक्ष वालों के प्रति सॉफ्ट थे आज, हो सकता है इसकी चर्चा हो। नहीं, मैं आपके को भी वही बात संदेश देने आया हूं, ये लोकतंत्र वाइब्रेंट है, यहां इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, यहां वाजपेयी जी चुनाव हार गए, और राज्यों में तो सरकारें अदलती बदलती रहती हैं। ऐसी स्थिति, ऐसी राजनीतिक स्थिति सपा बसपा भाजपा कांग्रेस की छोटी छोटी किस बड़ी से बड़ी किसी पार्टी के लिए शुभकर नहीं होगी कि जिसमें प्रशासनिक एजेंसियां राजनीति को नियंत्रित करने की कोशिश करें, जिसमें आदमी को यह लगे कि मैं पर्चा भरूंगा तो गिरफ्तार हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति का मजा ही खत्म हो जाएगा, उसके रंग खत्म हो जाएंगे। भारत की बहुरंगी राजनीति यथावत रखो भाई। और मान लीजिए कल परसों नरसों 10 साल बाद 15 साल बाद 20 साल बाद 50 साल बाद
केंद्र में भी सरकार बदली, कभी तो बदलेगी है, और वो सरकार भी यही चिंतन में करने लगी, तब क्या होगा? ठीक नहीं, देश के लिए ठीक नहीं, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कानून अपना काम करे, लेकिन कानून अपना काम निष्पक्षता से करता दिखना भी चाहिए और जनता को उस पर भरोसा भी होना चाहिए। धन्यवाद।